10 जून को मानसून की आमद के इम्कानात जाहिर किए जा रहे। कहा जा रहा है कि तूफान ताउकते के असरात मुल्क की कई रियासतों में देखने को मिलेंगे और माहरीन मौसमियात का कहना है कि मानसून आइंदा माह के दूसरे हफ्ते में जनूबी रियासतों में सरगर्म हो जाएगा। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना में आइंदा मौसम 12 मामूल के मुताबिक होगा और मानसून के दौरान तवक्को के मुताबिक बारिश हो सकती है। स्काईमेट अहदेदारों ने बताया कि मानसून की वक्त पर आमद से तेलंगाना के अलावा जनूबी रियासतों में बेहतर बारिश और मुनासिब मौसम की तवक्को है, जबकि माहरीन मौसमियात का कहना है कि तेलंगाना में मौसम 12 के आगाज के साथ ही बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बताया जाता है कि केरला में 31 मई से कबल मानसून पहुंच जाने का इम्कान है, जबकि आमतौर पर केरला में मानसून 1 जून के बाद टकराता है, लेकिन मई के अख्तिताम से कबल मानसून टकराने से ये कहा जा रहा है कि जून के इब्तदाई 2 हफ्तों के दौरान मुल्क की जनूबी रियासतों में मानसून की बारिश का आगाज हो जाएगा। स्काईमीट माहरीन का कहना है कि अगर हिंदुस्तान में मानसून की आमद में ताखिर भी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुल्क को फिलहाल तूफानी बारिश का सामना है और मुल्क की बेशतर रियासतों में बारिश जारी है। कहा जा रहा है कि जारिया माह के आखिरी हफ्ते तक भी मुल्क की कई रियासतों में बहर अरब में आए तूफान के असरात का सिलसिला जारी रहेगा। 24 मई के बाद इस तूफान में खत्म होने का इम्कान है। माहरीन के मुताबिक जनूबी रियासतों में आइंदा माह के दूसरे हफ्ते में मानसून के सरगर्म होने का फायदा होगा और उन तमाम रियासतों में मानसून के दौरान बेहतरीन बारिश के इम्कान हैं, जिसके सबब न सिर्फ जनूबी हिंद की रियासतों बल्कि मुल्क भर में जर जमीन पानी के सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमे मौसमियात के अहदेदारों के मुताबिक मौसम 12 के दौरान गुज़िश्ता सालों के दौरान होने वाली बारिश की तरह बेहतर और फायदा मंद बारिश के इम्कान हैं।